हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद नेहा। और कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को आलू के पराठे बना करके दिखाने वाली हूँ, जो बनाना बहुत इजी है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। रोज़ रोज़ रोटी सब्जी दाल चावल खा खा कर इंसान बोर हो जाता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये आधा किलो आलू इसे उबाल लिया है और अब मैं इसे मैश कर लूँगी इसके छिलके उतार करके। फ्रेंड्स, मैं 6 लोगों के हिसाब से आलू के पराठे बना रही हूँ और उसी की हिसाब से मैं सारे क्वांटिटी ले रही हूँ। आपके घर पे जितने मेंबर होंगे, आप जितने लोगों के लिए आलू के पराठे बनाएं, आप उसी हिसाब से अपने आटे को और ये आलू को ले लें। ये देखिए, सारे आलू को छील करके हम मैश कर लेंगे। आप जिससे भी चाहें कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर जो हम पाव भाजी जो बनाते हैं उसका जो मैशर आता है आप उससे मैश कर सकते हैं, या फिर हम जो मक्खन निकालने के लिए मथनी का यूज़ करते हैं आप उससे भी आलू को अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक पैन में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप अगर सरसों तेल ना डालना चाहें तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप बटर में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें सूखे हुए 1 मुट्ठी कड़ी पत्ते डाल रही हूँ। अगर आपके पास हरे कड़ी पत्ते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। सूखे पत्ते डालने से ये तेल में चटकते नहीं है। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पीली राई यानी कि पीला सरसों डाला है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालूँगी और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने वाली हूँ और अब हम इसे भी अच्छा भून लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। जब टमाटर अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसमें जो हमने आलू मैश करके रखा हुआ है उसे डाल देंगे। आप देख सकते हैं अभी आलू मेरा पूरा अच्छी तरह से मैश नहीं हुआ है। अब मैं इसे पैन में, जब मैं इसे भूनूंगी, इसके साथ साथ मैं इसे मैश भी कर दूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ले रही हूँ। इसी में अच्छा अपने हाथों के बीच में थोड़ा मसल के डाल दूंगी। इससे क्या होता है, कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं। ये देखिए, सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब जो हमारा आलू का मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हम इधर आलू पराठा बनाने के लिए आटा रेडी करेंगे। तो मैंने 3 कप आटा लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अपने घर के हिसाब से, मेरे घर पे 6 मेंबर हैं तो मैं उस हिसाब से आटा ले रही हूँ। आप अपने जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप ले लें। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें मंगरला डालूँगी और 1/2 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डालूँगी और अब 1/4 कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी, रिफाइन ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डालने से फ्रेंड्स जो पराठा होता है वो बढ़िया बनता है, सॉफ्ट बनता है और टेस्टी भी लगता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग करनी है। इस वजह से हमें आटा को थोड़ा सा हार्ड रखना पड़ेगा। हम जैसा पूड़ी के लिए, पराठे के लिए आटा बनाते हैं, रेडी करते हैं, बिल्कुल हमको इसे भी वैसे ही बनाना है फ्रेंड्स।
अब चलिए स्टफिंग करते हैं। ये मैंने एक लोई ले ली है, लोई में मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी गेहूं का, और अब इसके बीच में इस तरह से उंगली की मदद से होल करके मैं इसमें जो आलू का मसाला मैंने बनाया था उसे हम स्टफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्टफिंग करके हम ऊपर से इसे पैक कर देंगे अच्छे से, ताकि जब हम इसे बेलें तो इसमें से जो मसाला है वो बाहर ना निकले। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जो मसाला है वो बाहर भी निकल जाता है, पर इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि जो पराठा होगा वो आपका फूलेगा नहीं। पराठा ले लिया, तवा मेरा गरम हो चुका था, मैंने उसे पहले ही गैस पे चढ़ा दिया था, और अब मैं इसे पराठे को सेकूंगी दोनों साइड से। तब तक मैं इधर दूसरा पराठा रेडी कर रही हूँ। आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख करके ही पराठे को बनाएं, लो फ्लेम ना करें, वरना जो पराठा होगा वो सूख जाएगा। क्योंकि ज़्यादा देर जब हम आग पे रखते हैं पराठे को या रोटी को, तो वो सूखने लग जाता है। जब बना के निकालते हैं तब थोड़ा नरम होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एकदम हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रखिएगा। ये देखिए मैं एक और बार आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमें बीच में मसाला स्टफ करके इसे पैक करना है। ये बहुत इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब ये मैं बटर से बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पराठे के ऊपर थोड़ा हम बटर लगा देंगे, और अब इसे पलट करके हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा पराठा कितना बढ़िया फूला है। दोनों साइड से अच्छे से हम इसे सेकने के बाद प्लेट में निकाल देंगे। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई फ्रेंड्स, जो मैंने पराठा सेका आपने देखा होगा, मैंने एक ही साइड पे बटर डाला था, दोनों साइड पे नहीं डाला था। तो ये देखिए जो मैंने जिस साइड पे बटर नहीं डाला, मैं जो अभी ये दूसरी पराठे बना रही हूँ, इस पराठे के ऊपर मैंने जो पहला पराठा बनाया था और जिस साइड पे मैंने तेल नहीं लगाया था उस साइड को मैंने रखा है, ताकि इससे क्या होता है जो दूसरे पराठे में एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो हमारे पहले पराठे पे लग जाएगा। तो हमारे दोनों पराठे के दोनों साइड पे हमारा अच्छे से ऑयल या बटर लग जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है फ्रेंड्स, हमने सारे पराठे ये देखिए बनाकर रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।